दोस्तों नमस्कार। दी ऑल न्यू डस्टर, जी हाँ दोस्तों, रेनो की सिस्टर कंपनी दासिया मोटर्स ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर को लॉन्च कर दिया है। नई डस्टर नए फीचर्स इंटीरियर, एक्सटीरियर, सेफ्टी और इंजन में ऑफर करती है, और इसी बात से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत में भी रेनो की नई डस्टर आपको 2024 के त्योहारों के मौसम में देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में हम आपको नई रेनो डस्टर में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहें वीडियो में आप हमारे साथ। वीडियो की शुरुआत अगर एक्सटीरियर से करें तो नई जनरेशन की डस्टर के एक्सटीरियर डायमेंशन में इसकी लंबाई 4.34 मीटर के करीब मिलेगी। इसमें आपको 2.66 मीटर के करीब व्हील बेस मिलेगा। नई डस्टर रेनो के बिगस्टर कॉन्सेप्ट पर आधारित होने वाली है। नई डस्टर रेनो के CMFB प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसके ऊपर रेनो की जॉगर एसयूवी भी आती है, और इस बात से ये उम्मीद है कि नई जनरेशन की रेनो डस्टर 5 सीटर के साथ 7 सीटर की ऑप्शन में भी ऑफर हो सकती है। इसके एक्सटीरियर में आपको रेनो की नई बैजिंग के साथ अट्रैक्टिव फ्रंट ग्रिल, वाई शेप में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED टेल लाइट्स, रूफ रेल, शार्क फिट एंटीना, ड्यूल टोन और मोनोटोन कलर्स की ऑप्शन, R17 से लेके R18 इंच तक के नए अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स नई जनरेशन की रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में ऑफर किए जाएंगे। अगर इंजन्स और परफॉर्मेंस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में नई डस्टर 1.6 लीटर के 4 सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन की ऑप्शन में आती है, जो कि 2 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। इस इंजन के साथ भारत में भी रेनो की नई डस्टर आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको भारत में 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो कि 153 BHP की पावर देता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इन पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के साथ नई जनरेशन की रेनो डस्टर 1.5 लीटर तक के डीजल इंजन की ऑप्शन में भी भारत में ऑफर हो सकती है। नई जनरेशन की रेनो डस्टर फ्रंट व्हील के साथ ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी मिलने वाले हैं। अगर इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो नई जनरेशन की रेनो डस्टर का इंटीरियर सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के साथ आएगा। इसमें आपको 10.10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 7 इंच के करीब फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, मल्टी फंक्शनल टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील, लार्ज पैरानोमिक सनरूफ, 5 पर्सन और 7 पर्सन की सीटिंग अरेंजमेंट, लार्ज बूट स्पेस, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग जैसे फीचर्स एसयूवी के इंटीरियर में ऑफर किए जाएंगे। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नई जनरेशन की रेनो डस्टर में आपको सेफ्टी के लिए ADAS टेक्नोलॉजी, ऑल डिस्क ब्रेक, ऑल एयर बैग्स, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी के फीचर्स नई जनरेशन की रेनो डस्टर आपको ऑफर करेगी। भारत में नई जनरेशन की रेनो डस्टर एक अनुमान के अनुसार 10 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक की कीमत में ऑफर हो सकती है। नई डस्टर का मुकाबला भारत में हुंडई क्रेटा से लेकर टाटा हैरियर जैसी एसयूवी कारों से होगा। दोस्तों आप हमें बताएं कि इन फीचर्स के साथ नई जनरेशन की रेनो डस्टर को आप खरीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं। धन्यवाद।